पूर्वक धरना कर सकते हैं, इसको कोई रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर है हिम्मत तो अरेस्ट कर करके ले चले जेल, जेल जाने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋतिक। दिल्ली बॉर्डर पे जो तमाम अभी किसान बैठे हैं और वहां पर किसान कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी लहर अब बिहार की राजधानी पटना में भी देखने को मिल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के गांधी मैदान में और यहां पर भी उसकी लहर देखने को मिल रही है और लगातार यहां पर महागठबंधन के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता जो है यहां पर आकर यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जाहिर कर रहे हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं अभी पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पर लगातार जो है लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ गठबंधन के कार्यकर्ता हैं और सब अपना जो आक्रोश है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र को ख़त्म करना है, लोकतंत्र में हम शांतिपूर्वक धरना कर सकते हैं, इसको कोई रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। ये तो संविधान को ख़त्म कर रहे हैं ये लोग। प्रशासन ही गैर कानूनी है, सरकार ही गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी कहाँ से यही रहेंगे? अगर है हिम्मत तो अरेस्ट कर करके ले चले जेल, जेल जाने के लिए तैयार है हिम्मत उसमें? तो आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, कोविड के पालन को लेकर भी यहाँ पर टोका जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और धरना दे रहे हैं, नीतीश सरकार के खिलाफ भी अपना जो बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार को जमकर घेरने में लगे, मोदी सरकार को जमकर घेरने में लगे। और आपने बयान खुद सुना है श्याम रजक का, जो हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए हैं और उन्होंने खुद में बयान में कहा है कि वो धरना देंगे, सरकार को हिम्मत है तो अरेस्ट करके दिखाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।